हेलो एवरीवन, आज 25 मार्च 2021 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ है ETC जॉब्स के लिए। तो उसका एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर के आया हूँ। जो भी GK या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है यहाँ पर इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इट वॉज़ हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो ये गुलबदन बेगम ने इस हुमायूं नामा की रचना की थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, मदर टेरेसा को मिला था ये। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ये कपिल देव त्रिपाठी को इनका सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विनोद कुमार यादव जी को। 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुआ G20 सम्मेलन किस देश ने कराया, ये सऊदी अरब ने करवाया है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। विश्व आर्थिक मंच 2021 को में कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। मार्डेका कप किस खेल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, ये पत्रकारिता से संबंधित है। अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसका समाधि स्थल है, ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। संविधान सभा की पहली बैठक, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया। स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं, ये ऑक्सलिक एसिड हम यूज़ करते हैं स्याही का दाग मिटाने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है, ये नोबल शांति पुरस्कार के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है, बैकुरल इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी ये यूनिट है इसकी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती हैं, अवरक्त तरंगें होती हैं। विटामिन ए में संचित होता है, ये यकृत में संचित होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ये बेंगलोर में स्थित है। विश्व आर्थिक मंच 2021 ये भी क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है। किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की, तो ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है। किस खेल के साथ कॉक्स सब जुड़ा हुआ है, ये बोट रेसिंग जो होती है उसमें ये वर्ड यूज़ करते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था, 1886 में। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, विनोबा भावे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे मिला, बजरंग पूनिया को मिला था। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये शिमला में स्थित है। एंटीमोलोजी का संबंध किससे है, ये कीट विज्ञान से संबंधित है। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस शिफ्ट में, और कुछ क्वेश्चन मैंने वो भी इंक्लूड किए हैं जो प्रीवियस शिफ्ट में GK पूछे गए हैं। तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए, जो जिस तरीके के GK क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।